जो तुम्हें, और नहीं तो क्या? नहीं, वो हरामजादा अनिल सौम्या को प्रपोज कर देता है और तुझे मेरी बातें बकचोद नजर आती। तो और नहीं तो क्या? लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। तो तू उसका मर्डर करने क्यों? हाँ, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और वो उसको अपने दिल की बात नहीं बता सकता। तभी तीसरा लड़का आके उस लड़की को प्रपोज कर देता, वो लड़की भी एक्सेप्ट कर लेती। कौन है? क्या चाहिए बाबा? क्या वो बाबा, क्या सब ठीक हो जाएगा? कौन है यार? अरे चमन भाई, क्या भाई यार, आपने डरा दिया मेरे को आज। अनिल के बच्चे, हड्डी तो तेरी बहुत जबर है। हाँ वो बाबा, ये गन है ना, उसको सही में रखो ना, नीचे रखो। आओ चेयर पे बैठो ना, बात करते हैं। बातें बहुत हो गई, बहुत। पैसा मैं सारा लौटा दूंगा आपका, एक हफ्ता दे दो बस मेरे को, लास्ट एक हफ्ता। साला लोंडिया पर लुटाने के लिए तो बहुत पैसा है तेरे पास, कभी हरी कभी नीली कभी पीली। अरे बाबा यार, आपको तो पता ही अपना हिसाब किताब कैसे चलता, सारा उधारी का ही है, और रंग बदलने के भी तो पैसे लगते हैं ना। साला शौकीन बुढ़िया और मलमल का लहंगा, वाह वाह वाह, क्या डाला मारा है? सिखाओ ना मेरे को। अच्छा मत सिखाओ, ऐसे का आप देख लो, वन वीक लास्ट, तीन दिन ठीक है, तीन दिन में आपका पैसा आपके पास पक्का, मतलब पक्का। मैं भी इस बार यही बोलने आया हूँ, इस बार पक्का। ठीक है, ज्वाइन बनाओ आपके लिए, बैठो ना एक ज्वाइन, इस बार पक्का रोल करता हूँ ना। क्या बाबा, पी के जाओ। क्या बात है, आजकल बड़ी पार्टी साटी हो रही है।
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पुष्पा, मुझसे ये तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। पुष्पा, I hate tears। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और वो उसको अपने दिल की बात नहीं बता सकता। तभी तीसरा लड़का आके उस लड़की को प्रपोज कर देता है, और वो लड़की भी एक्सेप्ट कर लेती। तो पहले वाले लड़के का फर्ज बनता है कि उस तीसरे वाले लड़के की जान ले ले, है कि नहीं? फिर मैं नहीं देखता तू। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। किससे? बंदूक चलाने से? अरे मजाक मत करे यार। सौम्या यार, सौम्या बहुत अच्छी लड़की, बहुत भोली भी। पता नहीं वो उस अनिल की बातों में कैसे आ गई। और तू तो जानता है वो अनिल एक नंबर का कमीना आदमी है। वो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे यार, मुझे वही डर लग रहा है। तू कुछ कर यार, प्लीज तू कुछ कर, कुछ कर यार। हेलो सर, ये लड़कियों की तरह रोना बंद कर। बोल क्या करूं? एक काम कर, तू अनिल के सारे राज पता कर, और फिर मैं जाके सौम्या को बता दूं। हाँ करेगा ना? बोल। क्या बताना था, क्या बताना था? कि वो एक नंबर का लड़कीबाज है, 15-20 गर्लफ्रेंड्स है उसकी, माल बेचता है और दारू की स्मगलिंग भी करता है शायद। तो तुम्हें सब पता था पहले से ही? नहीं, तुम्हारे आने से पहले आशुतोष ने मुझे सब बता दिया। अच्छा, अच्छा किया आशुतोष ने तुम्हें सब बता दिया। सौम्या, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। क्यों? किसी और की सच्चाई बताकर मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक उस अनिल ने इम्प्रेस किया, वो काफी नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें अनिल की सच्चाई इसलिए बताना चाहता था कि कहीं वो मेरा यूज ना कर ले। रो क्यों रही हो? क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा भरा हुआ है। हट।
हेलो अनिल, ब्रह्मांड में कोई भी आइडिया, विचार या किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ एक ही इंसान के दिमाग में नहीं आता है, वह एक ही समय में एक से ज़्यादा लोगों के दिमाग में भी आ सकता है। कहने का मतलब यह है, जो हम अभी सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही इस वक्त दुनिया में कोई और भी सोच सकता है। फर्क बस इतना है कि इसको पहले इम्प्लीमेंट कौन करता है, और इस टर्न को यूनिवर्सल प्रेडिक्टेबल कहते हैं। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। एक काम कर, तू अनिल के सारे राज पता कर, और फिर मैं जाके सौम्या को बता दूं। आशुतोष ने मुझे सब बता दिया। मेरे को एक मर्डर करने का, अनिल शर्मा।
मेरी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए दूरबीन हमेशा अपने साथ रखता हूँ। क्या है ना, नंबर वाला चश्मा लगाऊंगा तो साला कोई मुझसे डरेगा नहीं। अनिल मेरा 1.5 लाख रुपए नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसका श्राद्ध कर दिया। तू तो किसी को दक्षिणा नहीं बांटेगा, किसी को कुछ बताएगा तो नहीं? किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। और बता दिया तो? बोला ना किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बंदूक नीचे कर। देख मुझे जाने दे, मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बंदूक नीचे कर। देख पास मत आ। मैंने कहा बंदूक नीचे कर। पास मत आ, मैं गोली चला दूंगा। मैं मुझ पर गोली चलाएगा? हाँ मैं चला दूंगा। अच्छा सच में चलाएगा? सच में चला दूंगा मैं। चला कर दिखा। चला दूंगा मैं। चला। सुन हम दोनों में से कोई एक सुकून से जिए, इसलिए दूसरे को मरना जरूरी है। पहले तू चला फिर मैं चलाता हूं। लास्ट ईयर एक सेमिनार में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मान लेते हैं एक विचार दो लोगों के दिमाग में एक ही समय पर आ जाए, पर क्यों हमेशा कोई एक ही इम्प्लीमेंट कर पाता है, दोनों एक समय पर एक साथ क्यों नहीं? और मेरा जवाब था अर्थ, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इसलिए पृथ्वी के किसी भी कोने में समय एक समान नहीं रहता, तो दोनों का एक साथ इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो कितने ही पास पास क्यों न खड़े हो, पर कहीं ना कहीं माइक्रो या नैनो सेकंड का डिफरेंस तो रहेगा ही।